नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है भारत और चीन के लद्दाख के क्षेत्र से। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन और भारत के तनाव को बढ़े हुए अब 3 से 5 महीने के बीच का समय हो गया है और इसी समय के बीच में जो एक लगातार मीटिंगों का दौर है वो भी चलता जा रहा है। लेकिन इसी की कड़ी में जो आज बड़ी खबर निकली है, आज भारत ने चाइनीज सोल्जर को पकड़ा है रंगे हाथों और ये सोल्जर पकड़ा गया है देमचोक सेक्टर के इलाके से, ईस्टर्न लद्दाख में LAC के पास से। आखिरकार इस सोल्जर को पकड़ने के पीछे आखिरकार भारत की सेना का क्या कहना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइनीज सोल्जर को पकड़कर भारतीय सेना का यह जवाब सामने आया है कि यह एक जो सोल्जर है स्पाइंग करता हुआ पकड़ा गया है। हालांकि इसकी स्पाइंग की पुष्टि नहीं हुई है, अभी बातचीत ही चल रही है कि कहीं ये एक LAC के चलते रास्ता तो नहीं भटक गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार वो रास्ता बोला है तो चीनी सोल्जर है, आखिरकार वो अपने चीनी सैनिकों को छोड़कर अकेला LAC पर क्या कर रहा था। तो इसी के चलते जो LAC पर उस चाइनीज आर्मी के सोल्जर को पकड़ा गया है उससे अभी बातचीत चल रही है। लेकिन इसी के साथ ही उसका नाम भी सामने आया है, उसका नाम है वेंग याओलोंग को पकड़ा गया है। तो इसी के साथ ही चाइनीज आर्मी के साथ बातचीत की गई है। हालांकि उसका अच्छा ध्यान रखा गया है उस सोल्जर का, भले ही भारत चीन के बीच में तनाव बढ़ा है लेकिन मानवता के रूप में उस सोल्जर का ध्यान रखा गया है। हालांकि LAC पर ठंड का माहौल बहुत बढ़ गया है, -20 से 50 डिग्री तक के सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर वहां पर चला जाता है और इसी के बीच सोल्जर वहां पर बिना ऑक्सीजन बिना खाने पीने के आखिरकार कैसे बिछड़ गया, ये अभी उससे बातचीत चल रही है। लेकिन भारतीय सेना ने जब उसे पकड़ा है तो उसके साथ ही मेडिकल असिस्टेंट ऑक्सीजन भी उसे दी गई है, इसी के साथ खाना पीना और गर्म एक कंबल भी उसे दिए गए हैं। हालांकि ऐसी ही उम्मीद हम चाइनीज सोल्जरों से नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा सोल्जर इस तरीके से कहीं पकड़ा जाता है तो क्या चाइनीज सोल्जर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हमारा सोल्जर चाइनीज साइड में ऐसे चला जाता है तो क्या चाइनीज भी हमारे सोल्जर के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन दोस्तों उसको पकड़ा गया है तो अब बहुत जल्द बातचीत करके उसे वापिस चीन की सेना के पास सौंपा जाना है। और इसी के साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भारत और चीन के बीच में बॉर्डर की एक बातचीत है, बातचीत भी अब आगे बढ़ने जा रही है। लगातार 8वें लेवल की बातचीत अब होने जा रही है, 7 लेवल की बातचीत दोनों ही देशों के बीच में हो गई है और सातों की सातों बातचीतें फेल रही हैं, शांति कायम नहीं हो सकी है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक मिल चुके हैं लेकिन फिर भी जो एक माहौल शांत करने का काम है वो माहौल शांत करने का काम नहीं हो सका है। इसी के साथ अब भी जो ब्रिक्स की मीटिंग होनी है उसमें चाइनीज राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री भी मिलने जा रहे हैं, देखना होगा कि आखिरकार उस मीटिंग में क्या फैसले निकलते हैं। लेकिन 8वें लेवल की बातचीत होने जा रही है लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नहीं है कि दोनों देशों के बीच में तनाव कम होगा।